हाय गाइस, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण खेल से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यदि आप इसका जवाब पहले से जानते होंगे तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सुबह के करंट अफेयर्स जो कि एनालिसिस के साथ हमारे चैनल पर अपडेट किया जाता है, उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आइस हॉकी, ऑप्शन बी है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है बेसबॉल तथा ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। आपके लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो आप के लिए अब समय स्टार्ट होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आइस हॉकी। आपके लिए अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है हैंडबॉल, ऑप्शन सी है बेसबॉल, ऑप्शन डी है कॉर्फबॉल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बेसबॉल। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी तथा ऑप्शन डी है शतरंज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हॉकी। आपके लिए अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है जूडो तथा ऑप्शन डी है शतरंज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जूडो। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है आइस हॉकी, ऑप्शन बी है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है फुटबॉल तथा ऑप्शन डी है बेसबॉल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रग्बी फुटबॉल। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है लेक्रॉस, ऑप्शन बी है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है बुल फाइटिंग तथा ऑप्शन डी है जूडो। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बुल फाइटिंग, यानी सांड से लड़ने वाला फाइट स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आपके लिए अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके लिए ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी है डेनमार्क तथा ऑप्शन डी है स्वीडन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा। आपके लिए अगला प्रश्न है, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है तैराकी तथा ऑप्शन डी है आइस हॉकी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि टेनिस। आपके लिए अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिनेमा, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है खेलकूद तथा ऑप्शन डी है विज्ञान। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि खेलकूद। आपके लिए अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विजय कुमार को, ऑप्शन बी है
समरेश जंग को, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद को, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि मेजर ध्यानचंद। आपके लिए अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से खेल के लिए चर्चित है। आपके लिए ऑप्शन है एथलेटिक्स, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, तथा ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लॉन टेनिस। आपके लिए अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है उधम सिंह, ऑप्शन बी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी है रूप सिंह, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मेजर ध्यानचंद। आपके लिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है विनोद कांबली, ऑप्शन बी है शेन वॉर्न, तथा ऑप्शन सी है सचिन, तथा ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है यानी कि शेन वॉर्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। आपके लिए ऑप्शन है 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, तथा ऑप्शन डी 90 मिनट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 90 मिनट। आपके लिए अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। आपके लिए ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, तथा ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तुर्क, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है यूनान, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि तुर्क। आपके लिए अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, तथा ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि भारत। आपके लिए अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके लिए ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 9। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 4। आपका अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके लिए ऑप्शन है 9, 10, 8 या फिर 7। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 7। आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है चीन, जापान, भारत तथा रूस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि भारत। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 20 इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में लाए हैं तथा कल 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा। कल भी आप इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन खेल से संबंधित आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक्स एवरीवन।